दो निकु पिलेल धड़िया ले तर मछुआरा को झोरा कदा को पूरा कुसम लेल धड़ी को पे निकु तो गैस वेलकम है फिर से न्यू ब्लॉग में। और आज हम दोनों इधर घूमने आए हैं जंगल तरफ, आप लोग को जंगल दिखाएंगे फिर जंगल सब दिखाएंगे। और देख सकते हैं आप लोग टांगरा इधर देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मुंडेर में क्या सेरेंग बोलते हैं ना, तो सेरेंग जो इधर देख सकते हैं पुआ सब रखा हुआ है देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं इधर में भी पुआल सब है धान सब है। तो हम लोग मतलब धान चढ़ाते हैं इसी टुंगरी पे, यानी कि क्या चट्टान से रही बोलते हैं उसमें, तो इसमें हम लोग आते हैं यहीं पर दावरी सब भी करते हैं। तो बहुत लोग अभी खलियान सब छीला नहीं है, तो जैसे जंगल तरफ में जिसका भी खेत है वो लोग काटते हैं और उसको चढ़ाते हैं इसी चट्टान पे सेरेंग पे ही चढ़ाते हैं और यहाँ मतलब दावरी करते हैं, पुअल सब यहीं पर छोड़ते हैं। फिर उसके बाद जब पुअल चढ़ाना रहता है तो उस समय वो लोग पुअल को ले जाते हैं यहाँ से धो करके, लेकिन बहुत दूर है तो हम दोनों आज जा रहे हैं और सुमंती आज कुछ बताएगी क्या देखेंगे उस सब दिन बताएंगे बताएगी हम लोग का तो मणुआ भी नहीं हुआ इस बार, और इधर देख सकते हैं मणुआ सब है छोटा छोटा है देख सकते हैं। बारिश भी नहीं किया सही से, जिस टाइम बारिश करना था उस टाइम तो बारिश ही किया नहीं, और बाद में बारिश किया तो उस समय क्या होगा, हुआ ही नहीं सही से ऐसा है। तो सुमंती क्या खा रही है दिखाते हैं, दो मैं भी खा लेता हूँ, घूमने जा रहा हूँ तो खाते खाते जाएंगे सोच रहे हैं इसीलिए मजा आ जाएगा जंगल तब आए हैं अच्छा दिख रहा है घूमने के लिए हम लोग वीडियो शूट सब करने आते हैं तो इधर आते हैं। तो आज सोचे हैं कि पंचघाट की तरफ थोड़ा सैर कर लेते हैं और आप लोगों को भी सैर कराते हैं ब्लॉग के माध्यम से। इधर से है ना रास्ता, डायरेक्ट निकलेंगे बोंगा तड़िया में। सुमंती को नहीं पता है बोंगा तड़िया सब कहाँ को बोलते हैं, और पंचघाट में बहुत ऐसे ऐसे जगह है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं तो यहाँ का स्थाई हूँ इसलिए मुझे पता है कहाँ पर हापू लता, तो बहुत लोग देखे होंगे इधर तो झूठ है किधर से, इधर से ना ऐसे करके दुअरदिरी हो करके जाएंगे, डुमंगदिरी नहीं दुअरदिरी इधर को बोलते हैं और उधर आ गए। अरे उस दिन वीडियो हम लोग बनाने नहीं गए थे उससे वहाँ का चट्टान उससे आगे वाला चट्टान, गुड मॉर्निंग कौन तो हम लोग तरफ गेंदा फूल यहाँ पर लगाया था दिखाते हैं, पूरा लगाया था लेकिन नहीं निकला। अभी तो छठ का सीजन खत्म हो गया, दिवाली का सीजन भी खत्म हो गया, इसलिए अब ये फूल इतना तो बच गया देख सकते हैं, दिखाते हैं इधर देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं सर दिखेगा तो हाँ दिख रहा होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर लगाया था एकदम जंगल के किनारे, और यहाँ से गांव कम से कम हम लोग का वही 3-4 किलोमीटर दूर में है जंगल नहीं बोलते अरे तो कैसे तो ये तो जंगल है ना, उतना बड़ा कैसे नहीं है, उस दिन नहीं देखे थे रुगुड़ा में खोज रहा था उस दिन कितना बड़ा है, जंगल है बोलते हैं इसको मुंडेर उस दिन पतरा बोलते हैं तो बोन तो जंगल को। तो बोन नहीं बोलते हैं हाँ तो तुम्हारे कहने के अनुसार तो वही होगा, आप पर्यवाची शब्द बोलेंगे तो फॉरेस्ट, जंगल तो इंग्लिश से बोलते हैं
हिंदी से बन बोलते हैं। इंग्लिश से जंगल बोला जाता है। आरिदेम नेते आरिले एम नेते काई मेल तू का। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना इसका उम्र चला गया, लेकिन अभी भी जंगल आए हुए हैं लकड़ी खोजने के लिए। देख सकते हैं और लकड़ी ले जा रहे हैं, मुश्किल से चल भी पा रही है लेकिन फिर भी लकड़ी खोज के जा रही है। बहुत दिक्कत था बुढ़ापा में, देख सकते हैं, अफसोस लगता है दोस्त, लेकिन क्या करें। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पंचघर और आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ पर अभी मछली भी लोग पकड़ रहे हैं, तो मछली भी आप लोग को दिखाते हैं। अब कितना ये लोग मछली पाए हैं, कितना बड़ा बड़ा है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आगे करो, सुमंती को आगे करवा रहे हैं, संभाल के, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर झिहा गए और सुमंती भी उतर रही है। तो गाइस इधर पानी ही नहीं है, देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में बांध दिया है और मछली पकड़ रहे हैं। इधर पत्थर भी बड़ा बड़ा है, उनको चुना को अपना मत रखो। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को मछली कितना है। ये लोग बोल रहे हैं कि गिनिएगा तो भी साल भर में नहीं खत्म कीजिएगा बोल रहे हैं। अब कितना है मछली देखते हैं। तो गैस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मछली है, क्या क्या मछली है पता नहीं है हमको नाम। और इधर घोंघा देख सकते हैं और केकड़ा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि ये लोग कैसे मछली पकड़ रहे हैं, दिखाते हैं। दो निकु पिलेल धड़िया लेता है मछुआरा को, झोरा कदा को पूरा कुसम लेल धड़ी को पे निकु और चिलके को आर ज्यादा चिलके नेते को चलाने दा दा को चलान चलान के तेंते को इनर को दुलिया दा दा इनर अगर हाकु जा को आर नोडम को तंदे मेंते इनर को दुलिया दे नेत्र को थावाया को जाए सब सब तेजा हुई चिकन चिकन हाकू को मेरा को है लिट्टी मधुकम को दादा पे कट ये कहता किस दा कहता पड़ो जी हमने दाए जूते की नहीं इन्हें के चांद को मैंने इन्हें प्लेल धड़ी है तेनी ये तायम पड़ रहा है ना कि चांद को मैंने इन्हें दा को आ रही थी और एक जगह वहाँ पर मछली मतलब छीट रहे हैं पकड़ रहे हैं मछली पकड़ रहे हैं। तो चलिए आपको तो दिखा, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस मछली पकड़ रहे हैं। ऊपर में जो रखा हुआ है इसको बोलते हैं चांद, देख सकते हैं इसी से मछली हम लोग छीटते हैं, पानी छीटते हैं। तो चलिए आगे आप चलते हैं। तो गैस देख सकते हैं हम दोनों यहाँ आए हैं आपू लता जहाँ बोलते हैं पंचघाट में, तो वही देखने के लिए आए हैं। सुमंती नहीं दिखी है, उसी को दिखाने के लिए लाए हैं सुमंती को, और देख रही है यहाँ पर, देख सकते हैं, दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए गैस आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं, जिससे कि आप लोग को पता चले कि कहाँ को बोलते हैं पंचघाट में हापू लता। तो गैस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देख सकते चमगादड़ रहते हैं, तो मुंडारी से बोलते हैं यहाँ का नाम भी पड़ा और हापू लता यहाँ पर चमगादड़ रहते हैं। जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, शायद दिखाई दे रहा होगा तो देखिएगा, पहले और ही गहरा था पर अभी पत्थर बढ़ गया और निर्जीव कहा जाता है पत्थर को, लेकिन फिर भी पत्थर बढ़ता है तो देख सकते हैं गाइस यहाँ को बोलते हैं हापू लता, बहुत ख़राब गंध दे रहा है। ठीक है आगे आप चलते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं पंचघाट, यहाँ पानी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम दूध के माफिक दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत शानदार लगता है। आजकल देखने से बहुत मज़ा आता है पंचघाट, और आप लोग नहाइएगा तो भी मज़ा आएगा। तो गैस आप लोगों को पूरा पंचघाट नहीं दिखाए, क्योंकि बहुत लोग आप लोग देखे होंगे पंचघाट और बहुत लोगों को बोरिंग भी लगता होगा, इसलिए मैं कहीं कहीं दिखाया आप लोगों को। बस हम दोनों आज इधर घूमने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दे पंचघाट का नज़ारा, और इधर भी मछली लोग कैसे पकड़ रहे थे, कितना मछली पकड़े ये आप लोग को बताएँ। तो आप लोग पर मछली सब मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोग जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स के जरिए। और पंचघाट कितने लोग नहीं देखे हैं, अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, पंचघाट के बारे में जानना चाहते हैं, पंचघाट नाम क्यों पड़ा ये आप लोग जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग को पूरा पंचघाट दिखाएंगे और उसका विशेषता आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ठीक है गैस, आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू, बाय बाय।